ये हम बात कर रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी से। ये जो ट्वीट है कमलनाथ जी का, क्या आपका कहना है? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने उनके नेतृत्व में हमने चलाया था और काफी बड़ी सफलता जो है हमको उसमें हासिल हुई और उसी का परिणाम रहा कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको मानक दर्जे का खाद बीज उनको उपलब्ध हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय अनुसार किसानों को पूरे मध्य प्रदेश में आधे दर पर बिजली उनको उपलब्ध हुई। सिंचाई के साधन हमारी सरकार में हमने बढ़ाए। गेहूं का रकबा था, उस गेहूं के रकबे में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो गेहूं उत्पादन की को लेकर के जो अपनी पीठ थपथपाने का जो झूठा काम कर रही है, जो श्रेय लेने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी पूर्व सरकार, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में जो निर्णय फैसले हुए थे, मैं समझता हूँ इसका उसी का परिणाम है कि आज हमारा मध्य प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में देश में अग्रणी नंबर पर है। एक जो कर्ज माफी को लेकर अब किसान संशय में हैं और डिफॉल्टर हो रहे हैं और उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्या कहना है? देखिए, जब तक हमारी सरकार थी हमने लगातार हमारी ऋण माफी की प्रक्रिया को हमने विपरीत परिस्थितियों में आगे रखने का काम किया। पिछले 3 महीने से मार्च, अप्रैल, मई और लगभग जून भी अब जो है समाप्त होने में आ गया है। 4 महीने होने में आ रहे हैं। 4 महीने में सरकार अभी तक ये नहीं तय कर पा रही है कि वो ऋण माफी की जो प्रक्रिया है उसको आगे चलाना चाहती है, उसको बंद करना चाहती है और उसी का परिणाम है कि आज हमारा किसान साथी जो है वो असमंजस में है। और अगर सरकार शीघ्र ही अगर कोई निर्णय और फैसला नहीं लेती है तो एक बहुत बड़ा संकट जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों के सामने आ जाएगा। और जो बड़ी मुश्किल से हमने ऋण माफी करके मध्य प्रदेश के माथे से जो कलंक, जहां पर किसानों की आत्महत्या के मामले में हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पहुंच गया था, उसको हटाने का काम किया। 10 लाख से अधिक किसान साथी जिनका जो डिफॉल्टर हो चुके थे, जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद हो चुके थे, उनको ऋण माफी का लाभ देकर के उनको ऋण की प्रक्रिया में शामिल करने का काम किया। जो इतनी हमने मेहनत करी हमारे किसान साथियों के लिए, कहीं ना कहीं सरकार की इस अनिश्चितता के कारण जो है हमारा किसान दोबारा जो है परेशानी में खड़ा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, मूंग की जो फसल है उस मूंग की खरीदी नहीं कर रही है सरकार, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करने में हमेशा जमीन आसमान का फर्क देखने में आया है। आप गेहूं उपार्जन की पूरी प्रक्रिया को आप देखिए किस प्रकार से जो है पूरी मध्य प्रदेश में अव्यवस्था का वातावरण रहा और उसका परिणाम स्वरूप हमारे किसान साथियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। और वही स्थिति चना खरीदी को लेकर रही है, वही स्थिति जो है मूंग को खरीदी को लेकर के रही है। बड़े बड़े तमाम दावे किए जा रहे हैं, पंजीयन करने की बात हो रही है, लेकिन ना तो पंजीयन हो रहा है और ना ही जो है अभी तक किसी प्रकार की कोई स्पष्टता जो है मूंग की खरीदी को लेकर के सरकार के द्वारा की जा रही है। तो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का साफ साफ कहना है कि कमलनाथ सरकार के जो मानक खाद बीज देने की योजना थी या किसानों का जो ख्याल रखा और रकबा बढ़ा गेहूं का, उसका परिणाम अब आया है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।